डियर स्टूडेंट्स अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से होंगे। एक्सरसाइज नंबर 6.7 हमारी कंप्लीट हो गई है और आज हमने 6.8 स्टार्ट करनी है और उसका क्वेश्चन नंबर 1 है राइट इक्वेशंस। इक्वेशंस हमने बनानी है। पार्ट नंबर 1 लिखा हुआ है द डिफरेंस बिटवीन फादर्स एज एंड डॉटर्स एज इज 26 ईयर्स। फादर और डॉटर की एज में जो डिफरेंस है, डिफरेंस मतलब फ़र्क, माइनस जो फादर की एज में से करें डॉटर की एज को, तो वो 26 आता है। तो हम लेट कर लेते हैं कि एज ऑफ फादर इज इक्वल टू एक्स। लेट करेंगे कि एज ऑफ फादर एक्स है एंड एज ऑफ डॉटर इज इक्वल टू वाई, और वाई जो है वो डॉटर की एज है। एक्स फादर की एज है, लेट कर ली हमने, वाई जो है वो डॉटर की एज है। अकॉर्डिंग टू कंडीशन, कंडीशन ये है कि एक्स माइनस वाई, यानी कि फादर्स एज एक्स है, एक्स डिफरेंस वाई, वाई डॉटर्स एज है, तो एक्स डिफरेंस वाई करें तो 26 आता है। तो ये इक्वेशन बन गई। डियर स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 2 है, लिखा हुआ है द प्राइस ऑफ 6 बिस्किट्स इज इक्वल टू द प्राइस ऑफ 1 चॉकलेट। लेट हम कर लेते हैं कि प्राइस ऑफ अ बिस्कुट इज एक्स है और प्राइस ऑफ अ चॉकलेट जो है वो वाई है। कंडीशन ये है कि जो अकॉर्डिंग टू कंडीशन लिख के, कंडीशन ये है कि जो 6x है, यानी कि एक्स जो है वो बिस्किट की प्राइस है, तो 6x मतलब 6 बिस्किट की प्राइस जो है वो चॉकलेट की प्राइस के इक्वल है, यानी कि वाई चॉकलेट की प्राइस है। 6x मतलब 6 बिस्किट की प्राइस इज इक्वल टू वाई मतलब चॉकलेट की प्राइस के इक्वल आ गया। इफ़ अ नंबर इज एडिड टू, आगे पार्ट नंबर 3 है, इफ अ नंबर इज एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर द सम इज 25। एक नंबर है हमारे पास, उसके और उसका 3 टाइम्स एक अदर नंबर है, उन दोनों को प्लस करें तो 25 आता है। तो लेट कर लेते हैं टू नंबर्स भी एक्स एंड वाई, एक नंबर एक्स हो गया और दूसरे का 3 टाइम्स। दोबारा इफ़ अ नंबर इज़ एडिड टू 3 टाइम्स ऑफ एन अदर नंबर, एक नंबर है और दो नंबर है हमारे पास, एक नंबर और दूसरे का 3 टाइम्स, उन दोनों को प्लस करना है तो 25 आता है। लेट टू नंबर्स भी हमने कर लिया कि एक्स और वाई, एक नंबर एक्स प्लस, आगे कंडीशन हम यहाँ पे एक स्टेटमेंट देंगे अकॉर्डिंग टू गिवन कंडीशन, दो नंबर हैं एक्स और वाई, एक नंबर और दूसरे का 3 टाइम्स यानी कि 3y, उन दोनों को प्लस करें तो 25 आएगा। तो एक्स प्लस 3y इज इक्वल टू 25, ये इक्वेशन बन गई। डियर स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 4 है, लिखा हुआ है द डिवीजन ऑफ सम ऑफ टू नंबर्स बाय देयर डिफरेंस। डिवीजन सम ऑफ टू नंबर्स, डिवीजन होगी सम ऑफ टू नंबर्स की किस से, बाय देयर डिफरेंस इज इक्वल टू 1। लेट कर लेते हैं दो नंबर्स भी एक्स एंड वाई, अकॉर्डिंग टू कंडीशन डिवीजन लेनी है नंबरों के सम की नंबरों के डिफरेंस से। ऊपर सम लिखेंगे नीचे डिफरेंस, तो इज इक्वल टू 1 है, तो 1 के इक्वल रखना है। तो ये इक्वेशन बन गई। स्टूडेंट्स आगे पार्ट नंबर 5 है, ट्वाइस ऑफ एनी एज इंक्रीज बाय 7। कोई एज है उसमें उसका ट्वाइस करना है और उसको फिर उसमें फिर इंक्रीज करना है 7, मतलब 7 प्लस करना है, तो वो वाई ईयर्स बन जाएगी। हम लेट कर लेते हैं जो एज है वो एक्स है। कंडीशन ये है कि ट्वाइस ऑफ एनी एज, ट्वाइस करके और उसमें 7 प्लस करना है, ट्वाइस मतलब डबल करके, तो वो वाई बन जाएगा। तो ये इक्वेशन बन गई हमारे पास। डियर स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर 3 है, लिखा हुआ है फाइंड 3 सॉल्यूशंस फॉर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2। ये इक्वेशन है, इसके हमने 3 सॉल्यूशन फाइंड करने हैं। इक्वेशन हमारे पास एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 है। अब सॉल्यूशन फाइंड कैसे करेंगे कि एक्स की वैल्यूज पुट करते जाएंगे तो वाई की वैल्यूज आती जाएंगी। एक्स की वैल्यू कोई खुद से हमने पुट करनी है, हम 0 पुट करें, एक्स की जगह पर 0 लिखें, 0 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, 0 वाई पर प्लस होगा तो वाई ही रह जाएगा, वाई की वैल्यू आ गई 2। एक्स 0 पुट की है, वाई 2, तो ये ऑर्डर पेयर बन जाएगा। इस तरह से लिखेंगे एक्स की वैल्यू पहले 0, 2, वाई की वैल्यू 2 आई है, जो पुट की है वो पहले लिखनी है, जो आई है वो बाद में लिखनी है। तो 0, 2 ये हमारा फर्स्ट सॉल्यूशन हो गया। इस तरह आप पुट करते हैं एक्स इज इक्वल टू 1, पहले 0 पुट की, आप 1 पुट कर लें, खुद से कोई कुछ भी पुट कर सकते हैं, कोई भी वैल्यू पुट कर सकते हैं। तो अब एक्स इज इक्वल टू 1 पुट कर लेते हैं। उसी इक्वेशन में एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू 2 वाली इक्वेशन में एक्स की जगह पे 1 लिखा, 1 प्लस वाई इज इक्वल टू 2, ये 1 इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस होगा, 2 माइनस 1 ना आ गया, तो वाई की वैल्यू आ गई 1। अब हमने एक्स किया पुट 1, वाई की वैल्यू आई है 1, तो सॉल्यूशन बन गया 1, 1, पहली वैल्यू एक्स की, दूसरी वैल्यू वाई की, पहले जो पुट की है
दूसरी वो जो आई है वन कामा वन, सो सेकेंड सोल्यूशन आ गया हमारे पास वन कामा वन। अब हमने थर्ड सोल्यूशन फाइंड करना है, हमने फाइंड करने थे इसके सोल्यूशन, हमने फाइंड क्या करने थे, फाइंड द थ्री सोल्यूशन फॉर इक्वेशन एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू। दो सोल्यूशन हमने फाइंड कर लिया, थर्ड सोल्यूशन फाइंड करेंगे। डियर स्टूडेंट्स इधर लिखेंगे फॉर एक्स इज इक्वल टू टू, अब पहले जीरो पुट किया फिर वन, अब टू पुट कर लेते हैं, एक्स की जगह पर टू पुट करेंगे उसी इक्वेशन में, एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू टू इक्वेशन है, एक्स की जगह पर टू लिखा, ये टू इधर प्लस हो रहा है, इधर आके माइनस हुआ तो वाई की वैल्यू आ गई जीरो। अब हमने पुट किया टू, आई जीरो है, टू कामा जीरो, ये हमारा थर्ड सोल्यूशन हो गया। तो ये हमारे थ्री सोल्यूशन जो है वो फाइंड हो गए। डियर स्टूडेंट्स आगे क्वेश्चन नंबर सिक्स है, लिखा हुआ है विच वन ऑफ थ्री कामा वन एंड जीरो कामा थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ टू एक्स प्लस वाई, टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन एंड वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री। ये दो सोल्यूशन दिए हुए हैं और दो इक्वेशन दी हुई हैं, हमने ये चेक करना है कि ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। इसी तरह फिर हमने ये सोल्यूशन है इसको भी चेक करना है कि ये इस इक्वेशन और इस इक्वेशन का सोल्यूशन है कि नहीं है। चेक कैसे करेंगे, पहले एक इक्वेशन लेंगे और हम चेक करेंगे कि ये थ्री कामा वन उसका सोल्यूशन है या नहीं है। तो कैसे चेक होगा कि हम ये फर्स्ट वैल्यू एक्स की होती है, सेकंड वैल्यू वाई की, इक्वेशन में एक्स की जगह पे थ्री पुट करेंगे और वाई की जगह पे वन। इसी तरह आगे ये जीरो कामा थ्री है तो एक्स की जगह पे जीरो और थ्री पुट करेंगे, और अगर दोनों साइडें सेम आएंगी, लेफ्ट साइड और राइट साइड सेम आएगी तो फिर सोल्यूशन होगा, अदरवाइज सोल्यूशन नहीं होगा। फर्स्ट वी टेक थ्री कामा वन एंड फर्स्ट इक्वेशन, हमने फर्स्ट इक्वेशन ले ली, दो इक्वेशन है और दो सोल्यूशन है, हमने फर्स्ट सोल्यूशन ले लिया और फर्स्ट इक्वेशन ले ली। अब थ्री कामा वन फर्स्ट सोल्यूशन है तो इसमें ये जो थ्री है वो एक्स के इक्वल है और वन जो है वो वाई के इक्वल है, यानी कि एक्स की वैल्यू थ्री हो गई और वाई की वैल्यू वन हो गई। अब एक्स और थ्री को इक्वेशन के अंदर पुट करेंगे, इक्वेशन वन के अंदर ये जो हमने ली है टू एक्स प्लस फाइव वाई, टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन, टू इंटू एक्स की जगह पे थ्री लिखा प्लस फाइव इंटू वाई है, वाई की जगह पे वन लिखा, टू थ्री जार सिक्स, फाइव वन जार फाइव, सिक्स प्लस फाइव इलेवन आ गया, इधर फिफ्टीन है। डियर स्टूडेंट्स इलेवन जो है, इलेवन आ गया लेफ्ट साइड पे, इलेवन फिफ्टीन के इक्वल नहीं होता, तो थ्री कामा वन जो है वो इक्वेशन का सोल्यूशन नहीं है जिस इक्वेशन में हमने वैल्यूज पुट करके चेक की है। अब नो वी टेक थ्री कामा वन, अब हम इसी सोल्यूशन को लेंगे और सेकेंड इक्वेशन लेंगे, तो सेकेंड इक्वेशन है वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री, एक्स की वैल्यू इसमें थ्री है और वाई की वैल्यू जो है वो वन है, वाई की वैल्यू वाई की जगह पे वन लिखा, वन माइनस थ्री माइनस टू आया, माइनस टू थ्री के इक्वल नहीं होता, इसका मतलब है थ्री कामा वन सेकेंड इक्वेशन का भी सोल्यूशन नहीं है, थ्री कामा वन इज नॉट द सोल्यूशन ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री। डियर स्टूडेंट्स अब लेंगे सेकेंड सोल्यूशन और उसको भी चेक करेंगे दोनों इक्वेशन के ऊपर बारी बारी कि वो उनका सोल्यूशन है कि नहीं है। तो यहाँ पे जीरो कामा थ्री, पहले हमने सोल्यूशन लिया जीरो कामा थ्री और फर्स्ट इक्वेशन ली टू एक्स प्लस फाइव इज इक्वल टू फिफ्टीन, टू एक्स प्लस फाइव वाई इज इक्वल टू फिफ्टीन। जीरो कामा थ्री को एक्स कामा वाई के इक्वल रखा तो एक्स की वैल्यू फर्स्ट के इक्वल, तो एक्स की वैल्यू जो है वो थ्री है और दूसरी वैल्यू वाई की होती है, वाई की वैल्यू थ्री आ गई, एक्स की जीरो और वाई की थ्री आ गई। डियर स्टूडेंट्स इक्वेशन में एक्स की जगह पे जीरो और वाई की जगह पे थ्री पुट किया, टू इंटू जीरो इंटू फाइव प्लस फाइव इंटू थ्री, टू को जीरो से मल्टीप्लाई किया जीरो, फाइव को थ्री से किया फिफ्टीन, फिफ्टीन के इक्वल आ गया, इसका मतलब है जीरो कामा थ्री जो है वो टू एक्स प्लस फाइव वाई का सोल्यूशन है। अब नो वी टेक जीरो कामा थ्री एंड सेकेंड इक्वेशन वाई माइनस, अब सेकेंड सोल्यूशन लेना और सेकेंड इक्वेशन, अब वैल्यूज जो है ना वो वाई की थ्री है और एक्स की जीरो है, तो थ्री माइनस जीरो किया तो थ्री आ गया, अब राइट साइड पे भी थ्री है, थ्री इज इक्वल टू थ्री आ गया, इसका मतलब है ये सोल्यूशन इस इक्वेशन का सोल्यूशन है। स्टूडेंट्स तो लिख देंगे सो जीरो कामा थ्री इज द सोल्यूशन ऑफ वाई माइनस एक्स इज इक्वल टू थ्री। सोल्यूशन कब होता है, जब लेफ्ट साइड और राइट साइड का आंसर सेम हो, अदरवाइज जो है वो सोल्यूशन नहीं होता इक्वेशन का। और इसी तरह का सिमिलर क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर फाइव जो आके आप लोग सॉल्व करें। डियर स्टूडेंट्स की आप लोगों की डायरी होगी कि सॉल्व करनी है आप लोगों ने एक्सरसाइज नंबर 6.8 कंप्लीट।